खुल गया रहस्य। इसी कुएं में रहते हैं हनुमान जी। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन निश्चित है, इसके बाद उसका जन्म भी निश्चित है। हालांकि सनातन धर्म में कई ऐसे अवतारी हैं जो अजर अमर हैं, उन्हीं में से एक हैं श्री हनुमान, जो इस कलयुग में समय समय पर अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। तो क्या है इस कुएं का रहस्य और कहां है ये कुआं? क्या अब भी हनुमान जी वही हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रहस्य से भरी ये कहानी सुनने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हनुमान जी आप सभी का कल्याण करें। एक कुआं जो भरा है कई रहस्यों से, एक कुआं जहां रहते हैं साक्षात श्री हनुमान। जी हां, सही सुना आपने, इस कुएं में सिर्फ कछुओं, मेंढकों, मछलियों जैसे जीवों का ही ठिकाना नहीं है, बल्कि पवन पुत्र श्री हनुमान जी का भी वास इसी कुएं में है। हर युग और हर समय में हनुमान जी ने भक्तों को अपनी लीलाएं दिखाई हैं। प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ हनुमान जी ने अपने भक्तों को दर्शन भी दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे, वहीं इस कलयुग में तुलसीदास जी, समर्थ रामदास, भक्त माधव दास, नीम करौली बाबा, राघवेंद्र स्वामी जैसे कई लोगों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस रहस्यमयी कुएं की ओर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पुरानी बस्ती में एक मंदिर है, जहां एक प्राचीन बावली भी है। यूं तो देश भर में सारे कुएं करीब करीब खत्म हो चुके हैं, लेकिन कई रहस्यों को समेटे हुए रायपुर के इस मंदिर की ये 500 साल पुरानी बावली आज भी एकदम दुरुस्त हालत में है और समय समय पर इसकी सफाई भी की जाती है। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी इस कुएं को साफ किया जा रहा था, तभी अचानक दीवार पर एक आकृति दिखाई दी। ऊपर की ओर लंबी पूंछ, हाथ और पैर दिख रहे थे, वैसे ही जैसे भगवान बजरंग बली के होते हैं। हनुमान जी की ये आकृति देखते ही सफाई कर रहे वहां के लोग जय श्री राम और जय बजरंग बली के नारे लगाने लगे। फिर क्या था, भीषण जयकार सुनते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो ये खबर आग की तरह देश भर में फैल गई और कुएं में प्रकट हुई हनुमान जी की आकृति के दर्शन करने वालों की कतारें लगने लगी। बताया जाता है कि इस 500 साल पुरानी बावली में जब पानी के स्रोत के लिए इस जगह पर खुदाई की गई तो भगवान बजरंग बली की कुल 3 प्रतिमाएं निकली। इनमें से एक प्रतिमा बावली के बगल में ही स्थापित की गई है। आपको बताते चलें कि इस मंदिर का नाम बावली वाले हनुमान है, जहां फिर से बावली में आकृति दिखी है। दूसरी प्रतिमा 3 किलोमीटर दूर दूधाधारी मठ में और तीसरी 5 किलोमीटर दूर गुढ़ियारी इलाके के मच्छी तालाब के किनारे स्थापित की गई है। ये शहर के पुराने मंदिर हैं, जहां हर मंगलवार को सैकड़ों भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। इस पुरानी बस्ती के नागरी दास मठ और जैतू साव मठ के बीच 500 साल से भी अधिक पुरानी बावली वाले इस हनुमान मंदिर के पास रहने वाले एक किसान का कहना है कि यहां मौजूद हनुमान जी के प्रति लोगों में गजब की आस्था है। मंदिर के बारे में स्थानीय लोगों में एक किस्सा प्रचलित है कि बावली के पास आकर एक गाय खड़ी होती थी, उसके थन से अपने आप दूध निकलना शुरू हो जाता था। मंदिर आने वाले श्रद्धालु अपने अनुभवों के बारे में कहते हैं कि यहां दर्शन के बाद उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। ये बावली इतनी अद्भुत है जिसके बारे में सुनकर आप एक बार फिर से आश्चर्य से भर जाएंगे। दोस्तों, ये बावली कभी सूखती ही नहीं है।
रायपुर के इस पुरानी बस्ती के इलाके में गर्मियों के दिनों में टैंकर से पानी की सप्लाई होती है। ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाता है, मगर मोहल्ले में बनी इस बावली का पानी कभी नहीं सूखा। इस बार जब बावली की सफाई की गई तो कई मोटर लगाकर बावली के पानी को बाहर निकाला गया। रात को सफाई की गई, लेकिन सुबह होते ही बावली पानी से लबालब हो गई। कलयुग में श्री हनुमान जी की ऐसी अद्भुत लीला देखकर लोग हैरान और भाव विभोर हैं। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार श्री राम जी की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर ही रहेंगे। एक कल्प में चारों युग के कई चक्र होते हैं। हनुमान जी को ज्ञानियों में सबसे पहले और देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हनुमान जी चार कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहली वजह ये है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती जी। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वे खुद की शक्ति से ही संचालित होते हैं। दूसरी वजह ये है कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। तीसरा ये कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा ये कि वे आज भी सशरीर हैं। इस दुनिया में भगवान के बाद अगर कोई एक शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंग बली के सामने किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। अगर सच्चे मन से महाबली पवन पुत्र की आराधना की जाए तो वो अपने भक्त की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। रुद्रावतार हनुमान की भक्ति हर कामयाबी की सीढ़ी है। क्या आपको कभी हनुमान जी के होने का संकेत मिला है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बजरंग बली।